जी देखने वाले तमाम दोस्तों को बासिर हाशमी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आने वाली हर नई हसीन वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाजिर है। और साज आप देखें माशाल्लाह, तो आइए शौकीन का नाम जानते हैं और इस शौक़ के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत सेहत कैसी है आपकी? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है, बहुत एहसान है, माशाल्लाह। आप बताएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह दोस्तों, हमारा अली भाई जो कि मशहूर मारूफ नाम कराची का, और हर साल की तरह जो है ये परिंदा नया छोड़ते हैं। और अली भाई मैं ये देख रहा हूँ छत चूँकि नई है, सबसे पहले तो आपकी मसरूफियत काफ़ी थी, आपने वक्त दिया उसके लिए शुक्रिया। और सबसे पहले ये बताइए शौक़ के हवाले से, ये छत नई है आपकी मैं देख रहा हूँ और परिंदा भी नया है, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइए ये छत नई करने का की क्या वजूहत है? सबसे पहले तो बासिर भाई, मेरी तरफ़ से सारे उस्तादों को, खलीफाओं को, अच्छे शौकीनों को मेरा बहुत बहुत सलाम, जो कि मैं शुरू में करता हूँ और करना भूल गया। बासिर भाई, मसरूफियत तो देखें बहुत होती है, माशाल्लाह आप भी मसरूफ़ हैं, आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, आपके चैनल को मज़ीद तरक्की दे। आप जाते हैं घर घर, लोगों की माशाल्लाह इतनी हौसला अफजाई भी हो जाती है, पता चलता है कि एक शौक कहाँ हो रहा है, कैसा हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। कोई इतना कोई ख़ास वो नहीं है, एक रमज़ानों के अंदर मतलब एक ऐसी मूड बना था, ये भी छत अपनी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो सामने भी छत अपनी है, और ऐसी मूड बना था कि कबूतर नए छोड़ लेते, कबूतर थे भी मौजूद, नए छोड़ के लड़ा लिए, तो जिसने लड़ाए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग हैं, वो भी माशाल्लाह उन्होंने अच्छे लड़ाए। और अब तो वैसे ही झाड़ का मौसम है, लेकिन फ़िलहाल मेरा इरादा है कि मैं इनको अभी, अल्लाह ने चाहा तो अगर मेरी मसरूफियत में से वक्त रहा और खैर रही, आफियत रही, सेहत रही, तो इंशाल्लाह इनको दौड़ाने का भी इंतज़ाम करेंगे। और बेसिकली ये जो एक छत है ना, ये हमने मतलब बैठक के बाद की तैयारी के लिए खोली है। अच्छा जी, बैठक के बाद इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा अगर ज़िंदगी खैर आफियत रही, वक्त रहा, हालात ऐसे रहे अच्छे, तो इंशाल्लाह 1000 कबूतर यहाँ से उड़ाएंगे। अरे जबरदस्त भी इंशाल्लाह, और कराची का अल्लाह ने चाहा तो एक तारीख की शौक करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो ये कोरंगी की हिस्ट्री में, यानी आप हिस्ट्री लिखने जा रहे हैं कोरंगी की? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मेरी तो देखने वालों सबसे यही गुजारिश है कि भाई ये मेरा एक मोहब्बताना शौक है, अल्लाह ना करे इस बात को या इन जुमलों को किसी भी और नज़रिए से ना देखा जाए, ये सिर्फ एक शौकीन की हैसियत से देखा जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक शौकीन की हैसियत से आप सब लोगों को ये बात बताना चाह रहा हूँ कि मेरा एक शौक है, मेरा एक लगन, एक जुनून है कि मैं इंशाल्लाह यहाँ से 1000 कबूतरों का शौक करूँगा। और मैंने छत को बदला भी इसी वजह से, क्योंकि मेरी वो वाली छत 200 गज़ की है, उसमें भी वो आधी छत है। अभी गुज़िश्ता कुछ अर्से पहले 400 कबूतर लड़ा है, उसमें भी आपको पता है कितनी घिचपिच थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी छत है। कोशिश की है कि उस पर एक अच्छा खूबसूरत साज जो अपने दिल को भाता रहे, बाकी ये भी खूबसूरत है, बाकी इंशाल्लाह इधर जो है वो एक अच्छा शौक करेंगे और ऐसा तारीखी शौक करेंगे जो अल्लाह ने चाहा देखने वाले। बिल्कुल, अभी तक 1000 कबूतर कोरंगी के एरिए में किसी ने अभी तक उड़ाया नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं पक्का वादा नहीं करता, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, ताकत दी, इस्तेआत दी, तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। क्योंकि दोस्तों मसरूफियत इनकी काफ़ी ज़्यादा है, और जो लोग अपना कराची में रहते हैं या जो इनसे मुंसलिक लोग हैं वो जानते हैं कि इनकी मसरूफियत क्या है फूड के हवाले से। माशाल्लाह हमारे अवेसी भाई के कबूतर खुल गए, क्योंकि अभी अवेसी भाई हैं जो कबूतर लड़ा रहे हैं अभी। अच्छा, बाकी तो तकरीबन और लोगों के कबूतर बैठ गए। अच्छा, जाहिर सी बात है मौसम झाड़ का है, अब इसमें तो जोर जबरदस्ती वाली काम है, तो जो उड़ा रहा है अपनी मसरूफियत के अंदर, उसके अंदर वक्त है। लेकिन तो एक बात यहाँ पे भी आती है कि इस गर्मी में अगर जो उड़ा रहा है, जिस तरह आप कह रहे हैं मैं इसको कबूतरों को, इन कबूतरों को दौड़ के लिए तैयार कर रहा हूँ, तो हर बंदे के लिए अली भाई बात नहीं है, जो कुछ जानता है फन, जो खिलाड़ी होता है जिसे कुछ पता होता है। लेकिन फन तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी ज़ात है, और मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लाह ताला उनको आबाद रखे, शाद रखे, आमीन। गुज़िश्ता रोज़ वो बीमार थे, अल्लाह ताला को बहुत एहसान है कि वो ठीक है, तो मेरे उस्ताद मोहतरम का साया हम पे मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जितने भी मेरे बड़े हैं वो बड़े एहतराम और बड़ी इज्जत से हम उनको पुकारते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो पूरी उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चीज जो है ना वो जरूर काम करेगी, क्योंकि हम मेहनत के साथ साथ दुआएं भी लेके चलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें दोस्तों दुआओं के साथ साथ की बोतल भी तैयार है। हाँ, गर्मी की आसिफ भाई देखें मजा जो है ना, हकीकत में आपके लिए अगर कोई सायेदार जगह हो ना, तो मैं कहता हूँ एक अच्छा शौक आप कर सकते हैं और बहुत बेहतरीन शौक कर सकते हैं। सही सही, और हकीकत में शौक का पता ही इस वक्त में चलता है। आपकी इस बात पे मुझे एक बात याद आ गई, अगर आपकी इजाजत हो तो,
वो ये कि शेर के बच्चे को शिकार करना नहीं सिखाया जाता, वो जो है शिकार करने में जानता है। बस अल्लाह ताला की मेहरबानी है, अब आप कुछ भी कहें लेकिन इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है। अवेसी भाई के कबूतर खुल गए और अवेसी भाई एक बहुत बेहतरीन शख्सियत है माशाल्लाह, और उम्मीद है कि वो उन्होंने मुझसे कहा है। अभी देखें आप फटकी में कबूतर रखे हैं, दिखाएं फटकी। ये फटकी यहाँ पे मौजूद है, अभी फटकी के अंदर ही है। जाल में भी कबूतर, उस जाल में भी है। ठीक है जी, तकरीबन 100+ कबूतर जो है ना माशाल्लाह, आज अभी कबूतर आए हैं और ये छोड़ दिए हैं। अवेसी भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा हुआ है कि वो कबूतर छोड़कर इसी फसल में शौक करेंगे, और वो एक अच्छा लड़का है, शौक करता भी है। माजी में भी शौक हुआ हमारा उसका, और इस साल एक शौक अधूरा रहा जो उससे नहीं हुआ। सही, तो उम्मीद है इंशाल्लाह मैं इस पूरी छत पे आने की मेरी वजह यही है कि मुझसे शौक किया जाए, और शौक ऐसा हो कि चार देखने वाले खुद कहें कि नहीं, क्योंकि कोरी छत पे तो कोई मिजाज या कोई ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। सही बात है, जिसमें कोई ऐसी बात हो। सही सही, कि आप कैसा शौक कर रहे हैं। कोरी का मकसद कोरी होता है, कोरी छत है, इंशाल्लाह शौक होगा, बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वैसी भाई मेरी बात का जो है ना वो बहुत अच्छे लफ्जों में जवाब इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छे शौकीन है। बहुत शुक्रिया अली भाई आपका ताबुन का, और हमारे साथ ज्वाइन किया है जुबैर भाई ने। जुबैर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बाख्तियार खलीफा उस्ताद असलम पहलवान, कैसे हैं आप? तबीयत सेहत कैसी है? शुक्र अल्लाह माशाल्लाह। बैठिए, बड़े तैयार व्यार होके आए हैं दोस्तों। जुबैर भाई का भी आपको शौक दिखाएंगे। यहाँ ये अवेसी भाई से कुश्ती हो गई है। अब वो देखें, वो सामने अली भाई की छत है। ठीक है जी, वो जाल बने में वहाँ भी कबूतर मौजूद है। उठ चुके हैं कबूतर। अली भाई, ये जो बाहर कबूतर खुले हुए हैं, ये कितने कबूतर हैं और जाल में कितने? अंदाजन होंगे तकरीबन 165 कबूतर। अच्छा, और जाल में? जाल में भी तकरीबन 100+ होंगे इंशाल्लाह। सही, हो सकते हैं ऊपर नीचे। सही सही, लेकिन अंदाजा नहीं इतने होंगे इंशाल्लाह। बाकी अली भाई, इन कबूतरों को अंदर छुड़वा दें, ये काफी तंग हो रहे हैं। ये अंदर छुड़वा दे बेटा, ये कबूतर अंदर उस वाले जाल में डाल। ये कुश्ती हो गई है। ये ठंडा पानी है दोस्तों। छत अभी तैयार हो रही है। ठीक है जी, काम मजीद छिड़ा हुआ है। जी अली भाई, एक नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी जिसमें जुबैर भाई का एक छुपा हुआ साथ दिखाएंगे आपको। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा साथ दिखाएंगे अल्लाह ने चाहा। जुबैर भाई मतलब उस साथ को दिखाने से थोड़ा सा कतराना कह लो ऐसा ही है, बाकी बहुत खूबसूरत कबूतर है माशाल्लाह। माशाल्लाह कराची के लोगों को आप वो भी दिखाइए, क्योंकि आपके चैनल के तवज्जो से मेरे ख्याल से अभी तक लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी। जी जी बिल्कुल, आप उनको कैप्चर कीजिएगा। अच्छा, दिल खुश होगा, इसकी बहुत मेहनत है जोड़ेबाजी का। माशाल्लाह ये
बड़ा अच्छा उस्ताद है और बड़ी बेहतरीन ब्रीडिंग इसके पास माशाल्लाह। बाकी आप मेरी ख्वाहिश है कि आप माल लाजमी कैप्चर कीजिएगा, एक वीडियो बनाइएगा, बड़ा मजा आएगा आपको इंशाल्लाह। आपको भी मजा आएगा और देखने वाले लोगों को मजा आएगा इंशाल्लाह। जो रात 11-12 बजे के बाद मोबाइल में लग जाता है ना यूट्यूब में, मजा आएगा इंशाल्लाह। दिन में तो होता ही है मजा, लेकिन एक रात का जो एंजॉयमेंट होगा ना, शौकीन अफराद का, उनको बहुत मजा आएगा। जुबैर भाई चूंकि ब्रीडर भी हैं दोस्तों, तो ये इनके पास ब्रीडिंग का सेटअप भी माशाल्लाह काफ़ी वसी और इस तादाद में, तो ये भी कवर करके आपको दिखाएंगे। कबूतर उठ चुके हैं, उठते ही गजापच की कुश्ती। जी तो दोस्तों ये इनका नया साज है, देख ले साइज देखने का कबूतर का, साइज धार का कबूतर। ये दोस्तों वहां से भी उठ चुके हैं कबूतर, आड़ी पड़ी।
अब उनका चलेगा हम मार। टोहा कहाँ से निकल के गया? हाँ मान गया।
काम है। उठा दिए दोस्तों। अली भाई कोई कबूतर बैठ नहीं रहा, क्या वजह है? पीतल के हैं ये सारे। अच्छा भाई, दो दो तीन दिन साला गर्दान है, ये भी बैठेंगे क्या? इनमें जो बैठ गए उनकी मेहरबानी है, जो पहले पकड़ ली उनकी मेहरबानी है। बाकी गर्दान है ये, माशाल्लाह ये करते से ये देखते आ रहे हैं, ये नए इनका चांस ज्यादा है, वहाँ बैठ सकते हैं। अच्छा लो, कुश्ती बन गई तो आड़ी बहुत अच्छी है ये। ये नफ्ता झुका, हाय हाय हाय, देख लो कितने पीतल के। हाँ उठाओ मंजूर भाई, Thank you.
शक्ल नहीं दिखा।
जी तो दोस्तों आखिरी हाथ है, देखते हैं अब इसके अंदर कोई अगर स्कोर बोर्ड मिलता है तो आपको अपडेट करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, चैनल के साथ बरकरार रहिए। इंशाल्लाह मेरा जो न्यू चैनल है उसके ऊपर वीडियोस आएगी, बासर हाशमी व्लॉग, उसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है जी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।